हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नाडा, आप देख रहे हैं एक्सट्रीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस। जी हाँ, लॉट ऑफ पीपल हैव कंफ्यूज्ड इन दिस टॉपिक। इतने सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और वो मैं आज आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और ये वीडियो देख के आपको इन दोनों के बीच कोई डाउट नहीं बचेगा। प्लस जो मैं आपको कुछ PDF टाइप में दे सकता हूँ या आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और आप उस स्क्रीनशॉट को रख लेना आपके पास, जिससे आपको जब भी क्या कहते हैं भूल जाओ आप, बिकॉज जनरली भूल ही जाते हैं यार, या पढ़ लेते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, अरे वो क्या था, इस पर म्यूजेनेसिस क्या था, इस पर म्यूशन क्या था, इस पर मेटोजेनेसिस क्या था। तो मैं आज आपको उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, इस पर म्यूजेनेसिस और इस पर म्यूशन। मेन कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों के बीच होता है। जबकि हमारे पास तीसरा टर्म आता है, जो कि आता है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज सिंपलेस्ट टर्म। और मैं आपको ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी बकवास के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाइयों और बहनों, दिल थाम के बैठिए। अब मैं सबसे पहले आपके सामने रखने वाला हूँ बिल्कुल सबसे इजीएस्ट टर्म, द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो भैया ये वो टर्म है जहाँ से मेल के या लड़कों के अगले उनके ऑफस्प्रिंग या बच्चा या चाइल्ड की शुरुआत होती है, उसके आने की शुरुआत होती है। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑल ओवर सार है वो ये है, शुरुआत बिल्कुल यहाँ से होती है स्पर्मेटोजेनेसिस से। और ये एक छोटा टर्म नहीं है, जो चाहे वो स्पर्मिएशन हो चाहे वो स्पर्मियोजेनेसिस हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, चाहे स्पर्मेटिड्स हुए, सब चीज़ इसके अंदर आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यानी अगर डायरेक्ट आपके पास डेफिनेशन हिंदी में बोलूँ जिससे आपको समझ में आए स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड होता है, सबसे पहला वाला स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड वाला सबसे पहला, ठीक है, उससे और स्पर्म के बनने तक, यानी बिल्कुल सबसे लास्ट वाली स्टेज, स्पर्म सबसे पहले टू सबसे लास्ट, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म तक का जो सफर होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और मैं इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दे दूंगा इंग्लिश वाली, हमें तो हिंदी में अपने अंदर से जो समझना है वो होना चाहिए ना। तो वो मैंने आपको समझा दिया स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के या स्पर्मेटोजोआ के बनने का जो सफर है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट जो अब बात आती है मेन डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। तो भैया देखो, कोई ऐसा मतलब वो तो है नहीं इन दोनों के बीच की कोई टकरार हो, जैसे डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जैसी, है ना, दिस इज नॉट लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की डेफिनेशन पे जाएंगे और वहाँ से आप अंतर समझ जाओगे। वेरी सिंपल, ठीक है, डेफिनेशन बोलता हूँ स्पर्मिएशन की, नहीं सबसे पहले स्पर्मियोजेनेसिस की देख लेते हैं, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस, तो जो हमारे पास आपका स्पर्मेटिड होता है, जो हमारे पास स्पर्मेटिड होता है, अब स्पर्मेटिड कैसे होता है, एक चार्ट दिख रहा होगा आपको बगल में, उस चार्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, उस पर FSH ने वर्क किया, FSH के वर्क करने से उसने क्या की, माइटोसिस से अपने नंबर बढ़ा लिए, नंबर बढ़ाने के बाद वो क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हुआ, उसमें म्यूसिस फर्स्ट डिवीजन ने उसको क्या बना दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हुआ, उसमें सेकेंडरी म्यूसिस डिवीजन हुआ, यानी म्यूसिस सेकेंड हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया स्पर्मेटिड, यही स्पर्मेटिड की बात कर रहा हूँ। तो हम कहाँ चल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में। तो अब जो स्पर्मेटिड आया, इस स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन यानी नंबर बढ़ना और उसको पूरी तरीके से मैच्योर होके जो स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ थ्रू द स्पर्मेटिड, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो आता है स्पर्मिएशन। भैया अगर मैं बात करता हूँ स्पर्मिएशन में, तो भैया यहाँ पे आप सबको पता होगा कि जो स्पर्म बनता कहाँ पे है, टेस्टिस के अंदर, सेमी फाइनस
ट्यूबल के अंदर। अब वो स्पर्म जैसे बन गया स्पर्म, तो वो डायरेक्ट वहां से नहीं निकलता, डायरेक्ट ऐसे बन के तुरंत निकल जाए ना मुन्ना ना, वो वहां पर बनेगा। अब देखो अगर डायरेक्ट निकल गया तो जा कहाँ पाएगा वो, उसे कितनी लंबी जर्नी ट्रेवल करनी है, वो कहाँ से जाएगा, मेल के पार्ट को क्रॉस करते हुए, वेजाइना को पार करके यूट्रस को, मतलब पहला सर्विक्स भी आएगी, सर्विक्स को पार करके यूट्रस को पार करके तब जाके पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज करने के लिए। तो इतनी बड़ी यात्रा के लिए उसे कुछ खाना पानी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन वो लेगा कहाँ से, सर्टोली सेल से। ऑल ऑफ यू नो दैट के सर्टोली सेल्स नर्व सेल होती हैं जो कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं स्पर्म्स को, और वो स्पर्म जैसे ही बनते हैं सेमीफाइनस ट्यूबल में तो डायरेक्ट बाहर आने की जगह पहले वो सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेंगे और फिर वो बाहर आएंगे। तो वो सेमीफाइनस ट्यूबल से स्पर्म के बाहर आने के प्रोसेस को, सेमीफाइनस ट्यूबल से स्पर्म के बाहर आने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। डिटेल में पूरा चैप्टर जानना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, बहुत अच्छी अच्छे डायग्राम से पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर सबका फेवरेट होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो नीचे कमेंट कर दो आप, और मैं आपके लिए लेके आऊँगा इस चैप्टर को एक अमेजिंग वे में, आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप ना समझो, विद मजे के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, मैंने आपको पूरा डाउट क्लियर कर दिया है। अगर कुछ और भी चाहिए तो उसके लिए कमेंट ही करो, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।